हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच. तुम लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया. आई नो हम गेम्स खेलते हैं इस चैनल पे, बट क्योंकि सब ने मुझे बोला व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो बना लेते हैं, एक व्लॉग कर देते हैं सबको खुश. तो आज हम हॉर्न होके जा रहे हैं. ठीक है. आई नो मैंने स्ट्रीम नहीं करी है, बहुत टाइम हो गया, लाइक फॉर डेज, बिकॉज पीछे हेज़ल वॉज नॉट वेल. तो आई नो जिस जिसने मेरी स्टोरी देखी होगी उन्हें पता होगा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. तो आज हम हॉर्न होके जा रहे हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है. लेट्स सी क्या होता है. आई होप कि बहुत अच्छा हो. तो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं और अंदर जा रहे हैं. तो बेसिकली मौसम तो ठीक ही है, धूप है, मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती है धूप में. चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर. बाय गाइस. और भैया कैसा लग रहा है तुम्हें? मस्त गाइस. सुबह से ना इसने अपना मुंह सुधार रखा है. आई डोंट नो, इनसे बात नहीं कर रहे. बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? कर तो रहा हूँ. Okay guys, तो हम पहुंच गए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गेट नंबर 2. यस, फ्रॉम गेट नंबर 2. पहले हमें मैसेज आया कि हमें गेट नंबर 5 से जाना है, बट अब इन्होंने गेट नंबर 2 कर दिया है. वेल, इतनी भीड़ तो नहीं दिख रही है, वो तो तुम देखो मेरे पीछे. आई नो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरे मिस्टेक्स को प्लीज इग्नोर कर देना. ठीक है, इसकी नहीं, मेरी भी मेरी, मेरी 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 लेट्स गो. तो यहाँ से स्टार्टिंग है. ठीक है, और गाइस यहाँ पे ना अगर तुम 10-12 लोग हो ना तो बहुत मजा आएगा, लेकिन हम तो दो ही हैं सिर्फ. हम दो लावारिस घूम रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं मोमोज खाने को, मोमोज ढूंढ रहे हैं. हर चीज एक्सपेंसिव होता है यार. यहाँ एक्सपेंसिव है बट स्टिल इट्स वर्थ इट, बिकॉज काफी चीजें हैंडमेड है, यू नो, तो वर्थ इट है. और ये सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पर. सी गाइस, ये तो सब लड़कियों के लिए ही है. मैं क्या दिखाऊँ अपनी विंगीज को, मैं क्या ही बोलूँगी. गाइस खरीद लो ज्वेलरी सिर्फ 500 रुपए में. गाइस मुझे ये बताना कि ये कैसे खड़ा है भाई, समझ नहीं आ रहा लिटरली. अगर इन्होंने ये रखा होता ना कि तुम बताओगे तो तुम्हें खाने पीने का सब फ्री, तो पक्का बता देती कुछ भी जुगाड़ लगा. ठीक है, एक तो ना मुझे पता नहीं कौन सी बुरी आदत है यूं यूं करके बात करें, मुझे आदत हो चुकी है. ओके, तो पहले हम सारा घूमेंगे, देन वी विल शो यू जो भी हमें पसंद आएगा इधर. गाइस ये बच्चों का खेल है. ठीक है, अपन तो ले लेंगे यूं. ठीक है, गाइस सस्ता अलादीन देख लो.
दिखेंगे आपको हर जगह जगह जगह। तो भाई दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया है उस वजह से इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया है, ठंड तो पड़ नहीं रही है तो ऐसे ही सही। और माइकल किद्दा वदिया वदिया माइकल यो 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 गाइस देख लो इसको बैठने की सीट नहीं मिल रही थी और कहीं भी बैठ जाती है। देख रहे हो यहाँ डस्टबिन पड़ा हुआ था पहले डस्टबिन पड़ा हुआ था खुद बैठ के समझ रहे हो ना। सारे देखो टेबल चेयर पे बैठे हैं और इसको देख लो कहाँ बैठी है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। सो गाइस आज का यही था तो हम जा रहे हैं अपने घर मेट्रो के। गाइस मैंने ये देखो क्या लिया है। गाइस हमने ना गाइस हमने ग्रूट भी लिया है ठीक है। मैं सारे का फोन ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ हमेशा। रुको यार हाँ तो गाइस मैंने ना ग्रूट लिया है ठीक है वहाँ पे ना। ओ यार इतने अमेजिंग अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं ठीक है। आई डोंट नो इंडिया में क्या चीज क्या सिनेरियो है कि बैन कर रखा है एनिमे का वेब सीरीज को क्या कर रही हूँ मैं। बाय द वे ना मैंने ना एक रील के लिए फ्लाइंग किस वाला वो बनाया तो ये मुझे कहते हैं ये क्या छपरी बुना कर रही है तो इसका मतलब इसने क्या फेस बनाया। रुको मतलब बनाइयो भाई फ्लाइंग किस वाला। गाइस ये क्या है गाइस बताओ मेरा अच्छा है ना इसका अच्छा नहीं है। कभी हम ऐसे आए भी नहीं है तो अगर आप देख चुके हैं वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक कर देना शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।